स्मार्टफोन हमारी लाइफ का सबसे जरूरी गैजेट। हमारी जिंदगी की पूरी राम कहानी हमारे स्मार्टफोन्स में लिखी होती है। स्मार्टफोन्स के आने के बाद हमारी लाइफ स्मार्ट हो गई है, पर इन स्मार्टफोन्स के भी कुछ साइड इफेक्ट्स होते हैं जिनके कारण कई बार हमारे सो कॉल्ड स्मार्टफोन्स नॉट सो स्मार्ट लगने लगते हैं। टेकगुरु टीम से मैं अभिषेक तेलंग और firstpost.com से निमिष सावंत के साथ मिलकर हम साथ में जानेंगे स्मार्टफोन्स के साइड इफेक्ट्स। साइड इफेक्ट नंबर वन, पावर हंग्री। बैटरी के बारे में सर क्या राय है आपकी? बैटरी सारा दिन ये करना पड़ता है। आजकल के फोन कितने स्मार्ट होते जा रहे हैं उतनी उनकी बैटरी बुद्ध होती जा रही है। सुबह चार्ज करो दोपहर तक बिल्कुल खत्म। कम से कम 12 घंटा तो चलनी ही चाहिए। सारा दिन ये करना पड़ता है। मेरे फोन को 6 मंथ्स भी नहीं हुए लेकिन मुझे हर जगह पे अपने चार्जर लेके घूमना पड़ता है। सारा दिन ये करना पड़ता है। Look at the Nokias that we used to have. पूरा दिन या 2-3 दिन के लिए चार्ज करना नहीं पड़ता था लेकिन अभी देखो तो केबल लगाओ इधर जाओ केबल लगाओ ऑफिस में आओ केबल लगाओ जहाँ जाओ केबल लगा के घूमना पड़ता है पागलों की तरह। मुझे तो लगता है कहीं ना कहीं ये फोन बनाने वाले और पावर बैंक कंपनी ने कुछ तो मेलजोल है। निमिष सच में मतलब बैटरी लाइफ को लेकर जितना बड़ा मतलब ये सरदर्द है हर किसी के स्मार्टफोन में बिकॉज स्मार्टफोन एरा के आने से पहले इतना कभी भी बैटरी को लेकर रोना नहीं था। घर में अलार्म क्लॉक लगी रहती थी कोई भी बैटरी से चलने वाली चीजें एक बार बैटरी डाली 6 महीने तक छुट्टी। अलार्म क्लॉक आप अपने नोकिया 110 को पकड़ लीजिए 1110 जो नोकिया के फोन हुआ करते थे एक दिन आप चार्ज करेंगे 2-3 दिन तक चलते थे कभी कभार। ऑफकोर्स उस समय टेक्नोलॉजी अलग थी स्मार्टफोन एंड्रॉयड ओएस आईओएस ये सब टेक्नोलॉजीज नहीं हुआ करती थी। स्मार्टफोन्स की वजह से बहुत सारे इनोवेशंस आए हैं बट बैटरी टेक्नोलॉजी उस गति से या उस रफ्तार से नहीं बढ़ी है। बट दिस इज लिटरली पेन इन द बीप। या इट इज। सो व्हाट डू यू थिंक मतलब कब तक ये चीज सॉर्टेड हो सकती है? सी बैटरी टेक्नोलॉजी इज समथिंग दैट इज अ लॉन्ग टर्म थिंग यू नो इट्स नॉट समथिंग दैट यू नो कैन बी चेंज्ड जनरेशनली। दैट्स व्हाई यू सी अ लॉट ऑफ पीपल यू नो पुटिंग ऑन लार्ज कैपेसिटी बैटरीज रादर देन इम्प्रूविंग द you know internal hardware management in a way that uses less battery power. So battery technology is it's a long term thing, you know, it's not just with smartphones, it's also in other industries people are facing issues. So ye jo problem hai ye to lambi rekha ghoda keh sakte hai ise. So the issue would be to, you know, jahan pe smartphone manufacturers kuch apne chipsets mein aise improvements kare jisse ki you know battery kam use ho. क्योंकि बहुत बार हमने ऐसा देखा है कि जब हम वीडियो शूट करते हैं फॉर इंस्टेंस तो तुम्हारी स्मार्टफोन की बैटरी ढप से गिर जाती है। दैट शुड नॉट आइडियली बी द केस। बट देयर इज सम रॉन्ग ट्रेंड इन द इंडस्ट्री। दे आर गिविंग द बिगर एंड लार्जर बैटरीज इन द स्मार्टफोन्स एंड ऑल्सो वो जो पावर बैंक पकड़ा देते हैं 10,000 mAh 20,000 mAh उसका कोई मतलब नहीं है बिकॉज वी नीड टू चार्ज एन एक्स्ट्रा गैजेट वी नीड टू कैरी एन एक्स्ट्रा गैजेट फॉर एवरी टाइम एवरीवेयर। मतलब ये जो तारों का जंजाल है ये हमारी लाइफ से नहीं जा रहा है ये एक बहुत बड़ी इशू है। Agreed, but then the thing is you cannot put a 10,000 milliampere hour battery into a smartphone and have a same slim smartphone, you know, तो वो limitations भी आ जाती है। Of course, it's a pain carrying the power banks as well as the smartphone, but abhi this is the need of the hour. You don't have any. I think smartphone industry के जितने बड़े players हैं, इनको megapixel war में जाने से अच्छा या screen को कितना 4K 8K बनाने से better ये है कि जो बैटरी को लेकर जो इश्यू है बेसिकली जो लिथियम आयन बैटरीज हैं उनमें एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम यह है कि एक वक्त के बाद जितनी गर्म होती हैं जितनी साइकिल उसकी लंबी चलती है उतनी वो जल्दी खराब होती चली जाती हैं और जितने बार आप रिचार्ज करोगे डिग्रेड होती जाएगी। एग्जैक्टली तो लिथियम आयन के अलावा कोई और मटेरियल लिथियम पॉलीमर भी है लिथियम पॉलीमर सेम इशू बट सेम इशू बट कोई ऐसा और मटेरियल बैटरीज में इस्तेमाल किया जाए या फिर नैनो टेक्नोलॉजी अगर बैटरी के अंदर आ जाए तो बैटरी ना सिर्फ छोटी हो जाएगी बल्कि काफी लंबे वक्त तक चलेगी वो बैटरी। इवन मैंने कहीं पर पढ़ा था कि नैनो टेक्नोलॉजीज पे जो रिसर्च चल रही है उस पे बैटरी इतनी छोटी होगी जितना आपका एक 5 रुपए का सिक्का एंड देन वो बैटरीज जो हैं वो आपके साल भर तक उसे रिचार्ज करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। देयर इज अ लॉट ऑफ इनोवेशन हैपनिंग ऑन दैट फ्रंट बट लाइक आई सेड ये एक दिस इज अ लॉन्ग टर्म थिंग यू नो ये तुरंत होने वाली चीज नहीं है। ग्राफीन इज अ सेमीकंडक्टिंग मटेरियल व्हिच इज बीइंग considered for you know giving you long lasting batteries and thinner batteries because graphene jo hota hai wo ek atom level ke thickness ka level ka hota hai so you can stack it and you can really get a very slim battery and a high capacity battery as well
बट गेटिंग इट इन द कमर्शियल स्मार्टफोन आई डोंट नो हाउ लॉन्ग दैट विल बट स्टिल हम सभी सैमसंग एप्पल एलजी नोकिया नोकिया तो नहीं है माइक्रोसॉफ्ट माइक्रोसॉफ्ट जितने भी बड़े प्लेयर्स हैं शाओमी यू सबसे रिक्वेस्ट करते हैं कि सर प्लीज अच्छी बैटरी या बैटरी के चीज में इनोवेशन करने के लिए अब आप अपने सारा R&D लगा दीजिए or give us high capacity batteries on most phones. That's the only solution at the moment. So, logging off. Okay.